वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है, असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। Wake up to reality. So hey, what's up guys? Welcome back to another video of Manix Gamers. तो गाइस आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। एंड इस 5 टिप्स को यूज कर आप मास्टर के 100 स्टार आराम से लगा सकते हो। बट गाइस अगर आप लोग भी मेरी तरह ओरियन नहीं चलाते हो तो आज के इस वाले वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आप ओरियन चलाना भी सीख जाओगे। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं सैटरडे और संडे को लाइव करने वाला हूं, तो क्या आप सैटरडे और संडे को मेरा लाइव स्ट्रीम देखोगे? कमेंट कर जरूर बताना। एंड ये जो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारे के सारे ओरियन कैरेक्टर के ऊपर हैं। अब आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी बात कर लेते हैं अपने टिप्स नंबर 1 के बारे में। तो गाइस आप में से ज्यादातर लोग एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, वो है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। एंड ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है आपके गेम प्ले के ऊपर। अगर आप एक रसर हो तो आपको यूज करना चाहिए तत्सुया, लेकिन अगर आप लोग रैंडमली खेलते हो एंड रश कर खेलते हो तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर है वो है ओरियन। एंड अगर आपका परमानेंट स्क्वाड है तो आप अपने हिसाब से कैरेक्टर को सेट कर सकते हो, या तो आप ओरियन ले सकते हो या फिर आप डिमिट्री ले सकते हो। लेकिन गाइस आज के वीडियो के अंदर मैं मेनली बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ ओरियन के बारे में। एंड गाइस अगर आप लोग ओरियन का यूज करते हो तो आपको फर्स्ट कैरेक्टर स्लॉट में तो ओरियन रख ही लेना है। एंड आपको अगर स्लॉट 2 में यूज करना है तो ओरियन का छोटा भाई मिगुल, क्योंकि यार अगर आप लोग मिगुल का यूज नहीं करोगे तो ओरियन कोई काम का नहीं है आपका। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मिगुल कैरेक्टर का यूज करते हो तो आप जैसे ही एनमी को डाउन करोगे इंस्टेंट आपको 200 ईपी मिल जाएगा। देन अब बात कर लेते हैं थर्ड कैरेक्टर स्लॉट के अंदर। तो अगर आप लोग एक रसर हो तो आप केली का यूज कर सकते हो एंड अपने हिसाब से केली की जगह कोई दूसरे कैरेक्टर को भी फिट कर सकते हो। देन हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर कैरेक्टर स्लॉट्स के बारे में। तो फोर्थ नंबर में आप या तो लूना को रख सकते हो, या फिर दासा को रख सकते हो, या फिर हयाटो को रख सकते हो। एंड अगर आप लोग लॉन्ग रेंज से खेलते हो तो आप राफेल कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बात हो गई कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को लेकर। देन बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 2 के बारे में। तो गाइस टिप्स नंबर 2 आपको इस गेम प्ले के अंदर देखने को मिलेगा। अब गाइस इस वाले गेम प्ले के अंदर आप देख सकते हो कि 0v3 का सिचुएशन हमारा हो चुका है, बट अभी मेरे पास ओरियन कैरेक्टर है एंड मैं ओरियन कैरेक्टर की मदद से इस 0v3 के सिचुएशन को 4v3 में कन्वर्ट करने वाला हूं। एंड गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिन किसी भाइयों को भी कैरेक्टर का यूज करने नहीं आता है ओरियन कैरेक्टर का, तो आप लोग इस वाले वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मेरे को भी ओरियन का यूज करने बिल्कुल भी नहीं आता था। एंड अगर आप लोग इस सीजन ग्रैंड मास्टर नहीं जा पाए हो या फिर मास्टर के 100 स्टार नहीं कर पाए हो तो गाइस मैं बोलूंगा कि आप ओरियन कैरेक्टर लेकर खेलो, क्योंकि अगर आप ओरियन कैरेक्टर लेकर खेलोगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देन अभी आप इस वाले राउंड के अंदर ही देख लो, मेरे सामने बंदा है एंड वो सिंगल बंदा है, तो मेरे पास ओरियन कैरेक्टर है तो मैं फटाफट से रश किया एंड उसका सोनिया एक्टिव हुआ था तो मैं फटाफट से ओरियन बन गया एंड मेरे को सामने से भी डैमेज पड़ रही थी। लेकिन गाइस आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि मैंने जैसे ही इस बंदे को डाउन किया मुझे इंस्टेंट 200 ईपी मिल गया, मतलब कि गाइस हमारा ओरियन दोबारा से चार्ज हो गया। एंड अगर मेरे को इजी वे में समझाना हो तो मैं यही बताऊंगा कि अगर आप मिगुल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन लगाते हो तो एक तरफ से ये उकोंग के जैसा काम करेगा। देन अभी लास्ट का एक ही बंदा बचा है, वो एलसेप के अंदर है, तो मैं फटाफट से ऊपर गया एंड उसको अच्छा खासा डैमेज दिया। बट इस वाले एनमी का भी सोनिया एक्टिव हुआ था तो मैं ओरियन बनकर इस वाले एनमी को भी फिनिश कर दिया एंड हम लोग 0v3 सिचुएशन को 2v3 में कन्वर्ट कर दिए हैं। एंड अब स्टार्ट होता है वो 6th राउंड एंड सामने के साइड में एनमी थे एंड मेरे पास लॉन्ग रेंज गन था तो मैं थोड़ा बहुत वेट किया, बट एनमी का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं इस साइड आकर नेट कुक कर सामने के साइड में फेंक ही रहा था कि एक एनमी हम लोग के ऊपर रश कर देता है एंड वो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है, तो मैं फटाफट से ओरियन बनता हूँ एंड उसका 30-40 HP खत्म कर देता हूँ। एंड उसने डिमिट्री लगाया था फिर भी मैंने उसको फटाफट से डाउन कर फिनिश किया एंड अब बस लास्ट के 2 ही एनमी बचे थे एंड सिचुएशन भी 2v2 का हो गया था, तो फिर मैं फटाफट से ओरियन बनकर इन दोनों बंदों को डैमेज देना स्टार्ट करता हूँ एंड फिर क्या अंदर रश करता हूँ एंड एक का शील्ड ऑन हो जाता है, फिर मैं फटाफट से बाहर आता हूँ एंड वो अपने आप 3 सेकंड के बाद मर जाता है। एंड इस वाले राउंड को विन करने के साथ ही साथ हमारा 0v3 का सिचुएशन 3v3 में कन्वर्ट हो गया था एंड अब स्टार्ट हो जाता है वो लास्ट राउंड। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फाइट डिमिट्री वर्सेस ओरियन के अंदर हो रहा है, क्योंकि सामने के 4 एनमी में से 3 एनमी ने डिमिट्री लाया था, तो वो लोग फटाफट से डिमिट्री का यूज कर रहे थे। लेकिन अभी इस लास्ट वाले राउंड के अंदर 3v2 का सिचुएशन था एंड एक एनमी सामने में था, तो मैंने फटाफट से फ्लैशबैक फेंका एंड उस वाले एनमी के ऊपर रश कर दिया, बट यहाँ पे मेरा ओरियन चार्ज नहीं था बट फिर भी मैं उसके ऊपर रश कर दिया एंड इस वाले बंदे को डाउन करने के साथ ही साथ हमारा ओरियन
चार्ज हो जाता है, जिसके बाद आखिरी का एनमी मेरे ऊपर रस कर रहा था तो मैं फटाफट से ओरियन बना, फिर ओरियन को डिसेबल करने के बाद इसको फटाफट से खत्म कर हमने इस वाले मैच को भी बोया। तो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हम ओरियन का यूज किस तरह से करते हैं। बात कर लेते हैं टिप्स नंबर थर्ड के बारे में। टिप्स नंबर थर्ड के बारे में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका ओरियन खत्म हो जाता है एंड सामने वाला का अगर सोनिया एक्टिव हो जाता है तब आप इस सिचुएशन में कैसे बच सकते हो। तो इस वाले राउंड के अंदर सेम सिचुएशन मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो गाइस अभी देखो सामने से बंदा आ रहा है एंड मैंने उसको अच्छा खासा डैमेज दिया, बट मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर फिर से उसको डैमेज दिया एंड सामने वाला एनमी भी मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे रहा था तो मैं फटाफट से उसका सोनिया एक्टिव कर दिया। अब गाइस सोनिया एक्टिव करने के बाद मैं दौड़ते दौड़ते लेट गया एंड उस बंदे को लेट कर भी दो चार गोली मारकर फिनिश कर दिया। एंड गाइस आप इस वाले ट्रिक का यूज कर सोनिया कैरेक्टर से बच सकते हो। एंड इस ट्रिक के बारे में मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि इस ट्रिक का अगर आप यूज करोगे तो सामने वाले एनमी को लगता है कि आप मर चुके हो, लेकिन कभी कभार कोई कोई समझदार एनमी आ जाता है जो कि आपको इजी वे में मार सकता है। बट ये ट्रिक बहुत ही रेयर केस में यूज करना जब आपके पास ग्लूवल ना हो या फिर आपके पास ओरियन कैरेक्टर चार्ज ना हो। होप आप लोगों को ये तीन टिप्स समझ में आए होंगे एंड अब हम बात कर लेंगे टिप्स नंबर फोर के बारे में, यानी कि आप ओरियन का यूज कर 1v4 या फिर 1v3 क्लच कैसे कर सकते हो। अब गाइस ये वाला क्लच आपका तभी हो सकता है जब सामने के एनमी ज्यादा से ज्यादा डैमेज पे हो या फिर कहो तो वो थोड़े बहुत डिस्टेंस पे हो। नहीं तो अगर वो डिस्टेंस पे नहीं है तो यार अगर आप एक साथ ही उन लोगों के ऊपर रस करोगे तो वो आपको इजी वे में मार देंगे। तो गाइस अभी आप इस वाले गेम प्ले को ही देख लो, ये बना था क्लॉक टावर के अंदर एंड ऑलरेडी हमारा 3v2 का सिचुएशन क्रिएट हो गया था एंड मैं फटाफट से नीचे जाता हूँ एंड एक एनमी को डाउन करके फिनिश करता हूँ, लेकिन मेरे 3 के 3 एनमी ऑलरेडी फिनिश हो चुके थे। मतलब कि अब मेरे को 1v3 का सिचुएशन फेस करना था। तो मैं फटाफट से अंदर जाता हूँ क्योंकि सारे के सारे एनमी बहुत ज्यादा डैमेज थे एंड मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ दो एनमी जोन में से आ रहे थे तो मैं फटाफट से इन दोनों को डाउन करता हूँ एंड मैं भी जोन में फंस गया था तो मैंने ओरियन कैरेक्टर का यूज कर जोन को फेस किया एंड फिर लास्ट के एनमी का सोनिया एक्टिव हो गया था तो मैंने फटाफट से उसको जंप कर हेडशॉट मारा एंड साथ ही साथ इस वाले मैच को बोया कर लिया। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप 1v4 या फिर 1v3 कैसे क्लच कर सकते हो। तो आप लोगों ने तो 1v4 क्लच देख लिया, तो अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ 1v3 का क्लच। अब गाइस इस वाले मैच के अंदर 2v0 का सिचुएशन हो गया था और मेरे सामने ही बहुत सारे एनमी थे, तो फिर मैं फटाफट से एक एनमी को डाउन करता हूँ एंड फटाफट से ओरियन बनता हूँ एंड साथ ही साथ ओरियन से डैमेज होकर दूसरा एनमी भी डाउन हो जाता है एंड लगे हाथ में एक और एनमी का शील्ड ऑन कर फटाफट से ओरियन बन जाता हूँ एंड वो भी डाउन हो जाता है एंड इसी के साथ हमारा ट्रिपल किल हो जाता है। मतलब कि गाइस अगर आप लोग 1v3 या फिर 1v4 क्लच करना चाहते हो एंड अगर आप ओरियन कैरेक्टर का अच्छे से यूज करोगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। देन अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 5 के बारे में। तो यार अगर आप लोग रैंडम खेलते हो या फिर अपने स्क्वाड के साथ खेलते हो एंड ओरियन लेके खेलते हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट लोड आउट बताने वाला हूँ मैं एंड गाइस उस लोड आउट का नाम है सीक्रेट क्लू। एंड अगर आप लोग सीक्रेट क्लू का यूज करते हो तो उससे आप 300 रुपए के अंदर अपने सारे टीममेट को फुल ईपी दे सकते हो, जिससे कि आपका ओरियन फुल्ली चार्ज हो जाएगा। एंड अगर आपके पास और भी 500 कॉइन है तो आप ये एचपी वाला सेक्शन भी ले सकते हो, जिससे आपको ईपी को कन्वर्ट कर एचपी मिलेगा। एंड अगर आप लोग के पास 1500 कॉइन और भी है तो आप इस स्प्रिंट वाले को भी यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर आप इस 1500 में ये स्प्रिंट वाला लोगे तो इससे आपका कैरेक्टर और भी ज्यादा तेज दौड़ने लगेगा। एंड अगर आपके पास और भी पैसा है एंड आप पैसे में अंधे हो चुके हो, अंबानी आपके लौड़े पे है, तो फिर आप 200 रुपए लगाकर एक मेडिकिट बाई कर सकते हो अपने सारे टीममेट्स के लिए। वैसे इस सीक्रेट क्लू सेक्शन से आप जो भी बाई करोगे वो आपके सारे टीममेट्स को मिलेगा। एंड अभी 3v0 का सिचुएशन हो गया है एंड आखिरी के एनमी पता नहीं कहां पे है, लेकिन उस आखिरी के एनमी को मेरा टीममेट मार देता है एंड वो इस वाले राउंड के अंदर 4 किल करता है। मतलब कि एस मारकर हमें इस वाले मैच को भी बोया करा देता है। एंड गाइस लिटरली मैं बताऊं तो कल मैं फर्स्ट टाइम ओरियन कैरेक्टर से खेला हूं। इससे पहले मैंने एक बार ट्राई किया था बट मेरे को उतना पसंद नहीं आया था, लेकिन कल मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि अगर बेटा तेरे को ग्रैंड मास्टर जाना है तो ओरियन कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। एंड इसी ओरियन कैरेक्टर का यूज कर कल मैंने 6 का बोया स्ट्राइक कंप्लीट किया था, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। बाकी अगर आप लोग यहां तक आ गए हो यार तो फिर फटाफट से वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल वाला आइकन भी दबा देना। एंड अगर आप लोग सजेस्ट करना चाहते हो तो साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम के बारे में कमेंट कर देना कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं सैटरडे और संडे को लाइव स्ट्रीम करने के लिए सोच रहा हूं। बाकी आप लोगों को 5 टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे तरह से समझ में आई होगी और नहीं आई है तो फिर दोबारा से वीडियो को देख लो, जिससे मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, साथ ही साथ चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। और हाँ, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना क्योंकि उसका आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राम राम। वास्तविकता के साथ जागो, इस श्राप दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो।
जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी।